अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ आइसक्रीम फलूदा शेयर करेंगे। कलर सा फलूदा है, चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक कप में पानी लेंगे और उसमें एक से टेबलस्पून चिया सीड या तो मलंगा कह लें, उसको भिगो देंगे। जब तक वो फूलेगा तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। फिर दो बाउल में हम गरम पानी लेंगे और 2-2 टेबलस्पून 2 डिफरेंट कलर्स में जेली ऐड करेंगे और इनको मिक्स करके जमने के लिए रख देंगे। एक कप पानी में तकरीबन 2-3 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे धीमी आंच पर पकाएंगे और हम इसे तब तक पकाएंगे कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा और ये पैन को छोड़ना शुरू हो जाएगा। कॉर्नफ्लावर देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसको रूम टेम्परेचर पर तकरीबन लाने के बाद हम इस बॉटल में भर लेंगे। आप पाइपिंग बैग भी यूज कर सकते हैं। अब ठंडा चिल पानी लेंगे, उसमें आइस क्यूब डाल लीजिए और उसमें यूं सेवइयों की सूरत में हम ड्रॉप करते जाएंगे। इतनी खूबसूरत सेवइयां तैयार होंगी और इसी पानी में ही हम इन सेवइयों को 1 घंटा तक रहने देंगे। डेढ़ से 2 कप दूध लेंगे, उसको बॉईल कर लेंगे और उसमें 50 ग्राम कंडेंस मिल्क हम शामिल करेंगे जो, और दूध को इतनी देर तक उबालेंगे कि ये 1 कप रह जाए। दूध 1 कप रह चुका है, अब हम इसे चूल्हे से रिमूव कर देंगे। जेलीज भी तैयार हैं, इन्हें क्यूब्स की शक्ल में काट लीजिए। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया, पिस्ता, बादाम, किशमिश। चलिए अब ग्लास तैयार करते हैं। फॉलो मी प्लीज। लीजिए, हमारा फलूदे का ग्लास तो तैयार हो गया।
आइसक्रीम के लिए आप हमारी आइसक्रीम रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Please subscribe our channel and press the bell icon.